आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे। मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूं जिसका बैकग्राउंड मैं चेंज किया हूं। ये देखिए, मैं एक फोटो बनाया है और नीचे एक बिल्डिंग है, जैसे लग रहा है कि मैं बिल्डिंग पे खड़ा होकर और अपनी सेल्फी ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों इस तरह फोटो बनाना है तो मेरी ये वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप अपने प्ले स्टोर में चले जाइए और वहाँ से एक ऐप से डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है PicsArt, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों कि जो पहला ऐप्स आया है PicsArt फोटो स्टूडियो, ठीक है। पहले इसका लोगो कुछ इस तरह था लेकिन अभी चेंज हो गया क्योंकि इसका अपडेट वर्जन आ गया है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों कि मैं इसको पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं सिंपली इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इधर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको प्लस के आइकन पर जाना है। उसके बाद आपको इधर एक वाइट बटन दिख रही है, आपको इसको दाब के ऊपर लेके जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। जो आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं वो बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल मुझे ए बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मेरा बैकग्राउंड ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इधर एक तीर की निशान दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन आ रहे हैं और देखिए, चार नंबर पर एक ऐड फोटो करके एक ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करके फ़ोटो ऐड कर लेना है। तो मैं इधर से कोई फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं ए फ़ोटो ले लेता हूँ। आपको इधर एक बार क्लिक करके इधर से ऐड फ़ोटो पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ऐड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो फ़ोटो है आपके बैकग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जो अभी मेरा बैकग्राउंड पे फ़ोटो आया है वो मेरे बैकग्राउंड के साथ आया, ठीक है। तो आपको अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है, उसके बाद दोस्तों आपको इधर नीचे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको स्क्रॉल करते हुए थोड़ा आगे जाना है। तो मैं आपको दिखा दूं, इधर एक आ गया है फ्री क्रॉप, तो आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरा फ़ोटो है फुल फ़ोटो में आ गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इधर से एक ब्रश दिया है, ब्रश सेलेक्ट करना है। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप इधर से इसका जो साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं छोटा कर देता हूँ, मीडियम कर देता हूँ। आपको सिर्फ अपने फ़ोटो को कलर करना है। अगर आप अपने फ़ोटो से बाहर कलर करेंगे, जो भी आपका बैकग्राउंड जो भी कलर हो जाएगा वो भी आपके फ़ोटो के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सिर्फ आप अपने फ़ोटो को कलर कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आप दो उंगली रखिए, उसके बाद उसको धीरे धीरे फैला दीजिए, ठीक है, आपका फ़ोटो जूम हो जाएगा। अगर आपको ऊपर नीचे ले जाना है तो आप दो उंगली रखिए और नीचे लेके आइए, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही करना है क्योंकि मैं भी जब शुरू शुरू में था तो मुझे भी थोड़ा परेशानी हो रही थी। जूम करने के बाद दोस्तों आप फटाफट अपने फ़ोटो को कलर कर दीजिए। तो मैं कलर कर देता हूँ। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं अपने फ़ोटो को अभी कलर कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई ज़्यादा भाग कलर हो जाता है तो आप रबर टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जहाँ भी चाहे उसको मिटा सकते हो, ठीक है। ये देखिए, मेरा जो है मिट रहा है, ठीक है। आप जिधर का चाहो उधर का मिटा सकते हो, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी कलर कर लिया। फिलहाल अगर आप बनाते हो तो थोड़ा अच्छी तरीके से कलर इसको कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इधर एक तीर का निशान दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, जो मेरा फ़ोटो कट गया, ठीक है। उसके बाद आपको इधर एक सही का निशान आ रहा है, तो आपको सही के निशान पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि जो आपका बैकग्राउंड था उस पर मेरा फ़ोटो चला गया, ठीक है। उसके बाद आप इधर से क्लिक करके इसको छोटा भी कर सकते हो और इधर से क्लिक करके इसको रोटेट भी कर सकते हो, घुमा सकते हो, और इधर से क्लिक करके इसको कट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस करना है कि अपना दोनों हाथ अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर रख के इसको छोटा बड़ा कर लेना है और इसको सेट कर देना, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों अब बेस्ट है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा होकर अपना सेल्फी ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये सही स्थान पे और सही बैठ गया, तो उसके बाद आपको इधर से एक सही का निशान दिया, आपको इधर से क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको इधर एक तीर का निशान दिया है, आपको तीर के निशान पर क्लिक करना है। जैसे आप तीर के निशान पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इधर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप इधर से गैलरी में सेव कर सकते हो, चाहे तो अपना वॉलपेपर इसको बना सकते हो, चाहे तो आप इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, चाहे तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। मतलब बहुत सी ऐसी सोशल साइट है जो आपको इधर नीचे दे रखा है, ठीक है।
तो आप किसी भी साइट से अपना शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे शेयर नहीं करना है तो मैं इधर सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरा जो है सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अपने गैलरी पे चला जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों कि मैं जो फोटो बनाया था वो फोटो आ गया। ठीक है, मेरा ये देखिए वो फोटो मेरा आ गया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड बहुत ही आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं।